देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा आंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक वृत्त है, क्या कह रहा है एक वृत्त, क्या कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, चलो बिंदु बाह्य बिंदु में पी मान लेता हूं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, अरे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यह स्पर्श रेखा जा रही है, इसका बीच का कोण ये, अरे ये वाला कोण, इसके बीच वाला कोण ये कह सकते हैं अपन, थीटा कह सकते हो या फिर ये कोण ले दो, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। अब देखो यह वृत्त का क्या हो गया, केंद्र जिसको वो मान लेते हैं, और यह स्पर्श बिंदु हो गए और इनको मिला लेते हैं। देखो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड कौन होती है, त्रिज्या। देखो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, अरे ये रहा केंद्र, यहाँ पर आंतरिक कोण, ये वाला कोण की बात कर रहा है, केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो पहले बात करते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल कितना हो 180, तो आप उसको क्या कहोगे, संपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, अरे जब दो कोणों का योगफल कितना हो 90, तो संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो दो कोणों का योगफल कितना होगा 180। यह पी आ गया, ये क्या आ गया ए, ये क्या आ गया बी, चलो आपको दिया हुआ क्या है पहले वो लिख देते हैं, दिया हुआ एक वर्ड जिसका केंद्र बिंदु ओ है, एक वर्ड जिसका केंद्र बिंदु क्या है ओ, चलो ये दिया हुआ है, फिर आपको सिर्फ क्या करना है, अरे बाह्य बिंदु से वर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं द्वारा आंतरिक कोण और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली केंद्र पर आंतरिक कोण का क्या होता है, संपूरक, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ूंगा तो कितना आएगा 180। तो इस कोण का नाम क्या दे दू, ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण, इस कोण का नाम ए ओ बी, ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180। ये बात आपको सिद्ध करनी है। चलो अब बात करते हैं उपपत्ति में, देखो इन दोनों कोणों का युगफल 180 कैसे आएगा, पर आपको एक पर्व याद होना चाहिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है लंब, अरे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है लंब, जहां लंब पड़ता है वहां कितने डिग्री कोण बनता है, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय बिंदु से वर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, बाह्य बिंदु से वर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है लंब, तो अपन कहते हैं यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, तो कोण PAO, कोण PAO बराबर कितना हो जाएगा 90, और कोण PBO, कोण PBO बराबर कितना हो जाएगा 90। तो देखो आपने यहाँ 90 और यहाँ 90 दिखा दिया, अब आपको क्या करना है, इन दोनों कोणों का योगफल क्या लाना है 180, तो आप कैसे लेके आओगे, देखो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए ओ बी सी, ए क्या है चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, हाँ तो अपन कहेंगे चतुर्भुज ए ओ बी सी में, तो आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल बराबर 360 डिग्री, अरे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। अब देखो चारों कोणों का नाम लिख देते हैं, तो चलो पहले किसका लिख दे, ए का, कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ प्लस कोण ए ओ बी,
दे, ये रह गए ना एपीबी। देखो पहले अपन ने क्या किया, एपीबी पहले लिखा ना, तो ऐसे करते हैं, मैं इससे पहले एक और लिख देता हूँ। देखो कौन ए पी बी, कौन ए पी बी प्लस। देखो इसको क्यों लिखा, क्योंकि एओ से पहले क्या आ रहा है, अरे अपन बाद में भी उसको क्या कर सकते थे, आगे पीछे कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपन ने पहले लिख देते हैं ना, उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं रहेगी। कितना आ जाएगा 360। अब देखो क्या आपके पास पी आ गया, क्या हमारे पास पी आ गया, क्या हमारे पास ए आ गया, क्या ए आ गया, क्या हमारे पास ओ आ गया, क्या ओ आ गया, फिर अपन बात करें बी आ गया, क्या बी आ गया। चलो चारों कोण आ गए अपने पास। चलो अब अपन बात करते हैं क्या ए पी बी का तो कोई मान नहीं है, पर ए का कितना है 90 डिग्री, और ए पी बी प्लस ए पर कितना डिग्री दे रहा है 90, प्लस ऊपर यार मतलब कुछ नहीं दे रखा है ना, और बी पर कितना दे रखा है 90, बराबर कितना हो जाएगा 360। अब मेरे को बता सकते हो 90 और 90 कितने हो गए, कौन ए पी बी प्लस कौन ए ओ बी, 90 और 90 बराबर 300, हाँ ये 180 इधर प्लस का उधर जाके, कौन ए पी बी प्लस कौन ए ओ बी बराबर 360 माइनस 100। चलो कौन ए पी बी प्लस कौन ए ओ बी बराबर क्या कहेंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, अरे छः में से आठ नहीं जाता है, 16 में से आठ गए आठ और दो में से गया, तो अपन कह सकते हैं कौन ए पी बी प्लस कौन ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा 180। अरे जब दो कोणों का युगफल 180 हो तो अपन क्या कहते हैं, दोनों कोण क्या है समपूरक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में डायग्राम है, तो ऐसे करते हैं अपन इसको रब करते हैं। चलो मेरे साथ डायग्राम बनाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बीसी बराबर 6 सेमी कॉमा एबी बराबर 5 सेमी और कह रहा है कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री हो, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। चलो देखो आप पहले ऐसे करो, एक कच्चा डायग्राम बना लो जिसका नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी। अब आपको बी सी बराबर कितना दे रहा है, बी सी बराबर दे रहा है 6 सेंटीमीटर, फिर आपको ए बी बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर, और फिर क्या कह रहा है कौन ए बी सी, कह रहा है कौन ए बी सी बराबर कितना कह रहा है 60 डिग्री। अब देखो बीच में कौन आ रहा है बी, तो कहाँ हो जाएगा बी पे 60 डिग्री हो जाएगा। अरे ए बी सी कह रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखो जो कौन का नाम लिखा है कि बीच में किसका नाम है, मतलब बीच में किस शीर्ष का नाम है बी का, तो बी पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की 3/4 गुनी, अरे आपको 3/4 गुनी कह रहा है। चलो अब अपन डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
अरे बीसी बराबर 6 सेमी खींचे हैं। चलो देखो सर्वप्रथम एक रेखाखंड बीसी बराबर 6 सेमी खींचिए। देखो इस रेखाखंड का नाम दे दो बीसी। देखो फिर उसके बाद बिंदु बी पर कितने डिग्री कोण कह रहा है 60 डिग्री, तो आप अपने कंपास दे बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण बना लो। थोड़ा सा प्रकार खोलकर आप एक अर्धवृत्त बना लो। तो देखो हमेशा ध्यान रखना अर्धवृत्त के नीचे जिस भाग में अर्धवृत्त के नीचे रेखा होती है उसी से वहां से स्टार्ट किया जाता है और पहला चाप कितना 60 का, जितना खुला था उतना ही खुला रखे देना। पहला चाप 60 का, देखो अब इस चाप को बिंदु बी से मिला लो। और ये अपने 60 डिग्री बन जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है जब बिंदु बी से ए कितने सेमी दूर है 5 सेमी, तो अपने कंपास में 5 सेमी ले लो रूलर की सहायता से। अपने कंपास में 5 सेमी खोलने के बाद बिंदु बी पर प्रकार की तिकी वाली नोक रख लो और कोण वाली रेखा पर 5 सेमी का चाप काट लो। जहां चाप कटता है वहां बिंदु ए अंकित किया। अब बिंदु ए को सी से मिला लो। बिंदु ए को सी से फिर देखो आपको एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं संगत त्रिभुज की 3/4 गुनी हो। तो देखो अब अन्य समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, क्या रेखाखंड बीसी के एक तरफ इस तरफ तो बना नहीं सकते, इस तरफ त्रिभुज है तो किस तरफ होगा नीचे की तरफ। अरे रेखाखंड बीसी के एक तरफ न्यून कोण होती हुई एक रेखा बी एक्स खींचिए। रेखाखंड बीसी के एक तरफ न्यून कोण होती हुई एक रेखा बी एक्स खींचिए। अब देखो उसके बाद मैंने कहा था इन दोनों अंकों में से कौन बड़ा है 4, तो आप रेखा बी एक्स पर कितने समदूरस्थ बिंदु अंकित करेंगे 4 समदूरस्थ बिंदु अंकित कर लो। अंदाज से कंपास खोल लो और जितना खुला है उतना ही खुला रखना और रेखा बी एक्स पर 4 समदूरस्थ बिंदु अंकित कर लो। एक आपने 4 समदूरस्थ बिंदु अंकित कर लिए, इसका नाम B हो जाएगा तो इसका नाम B1 B2 B3 B4। उसके बाद मैंने कहा था अरे जब 3/4 गुनी कह रहा है जो हर में है उसको हमेशा किया जाता है C से, तो हर में कौन है 4, तो B4 को किससे मिला लो C से। B4 को C से मिला लो। आपने बिंदु B4 को C से मिलाया
अब देखो उसके बाद आपको क्या दे रखा है अंश में, तीन, तो कहां से बी थ्री से, अरे बी फोर सी के समांतर, बी थ्री से बी फोर सी के समांतर एक रेखा खींची जो बी सी को कौन से बिंदु पर परिच्छेद करेगी, डी। अरे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो अब क्या ले लेंगे, डी। चलो थोड़ा सा प्रकार खोल लो, और बिंदु बी फोर पर रखकर एक अर्धवृत्त बना लो, जितना प्रकार खुला था उतना ही खुला रखना, और बिंदु बी थ्री पे रख लो और एक अर्धवृत्त बना लो, या चाप चाप कह दो उसको। अब आपने बिंदु बी फोर पर रख के जो चाप काटा, उस चाप के कोण वाले भाग का माप कर लो, करने के बाद यहां एक चाप काट लो, जितना खुला था उतना ही खुला रखना, कोण वाले भाग का माप। फिर आपने बी थ्री पे रख के जो चाप काटा, उस पर कोण वाले माप का चाप काट लो। अब चाप कट जाने के बाद बिंदु बी थ्री से मिला लो, बिंदु बी थ्री से मिला लो जो बी सी को कौन से बिंदु पर परिच्छेद करता है, डी बिंदु पर परिच्छेद करता है, जो बी सी को डी बिंदु पर परिच्छेद करता है। इसी प्रकार बिंदु सी बिंदु डी से बिंदु डी से रेखाखंड ए सी के समांतर एक रेखा खींचनी है जो ए बी पर कौन से बिंदु पर परिच्छेद करेगी, ई। चलो अब आप पहले बिंदु सी पर प्रकार की तिकी वाली नोक रखकर एक हाफ सर्कल बना लो, जितना खुला था उतना ही खुला रखना, और बिंदु डी पर प्रकार की तिकी वाली नोक रखकर हाफ सर्कल बना लो। चलो जो आपने बिंदु सी पर रखकर हाफ सर्कल बनाया था उसके कोण वाले भाग का माप कर लो, और आप पहले सर्वप्रथम यही चाप काट लो, जितना खुला था उतना ही खुला रखना। जब आपने बिंदु डी पर अर्धवृत्त बनाया तो कोण वाले माप का उस अर्धवृत्त पर चाप काट लो। अब इस चाप को बिंदु डी से मिला लो, और आगे बढ़ाने पर एबी को कौन से बिंदु पर परिच्छेद करती है, अरे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, अब क्या आ जाएगा। देखो आपने बीसी बराबर कितना बनाया था, 6 सेंटीमीटर। चलो आप बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर लिखो। फिर आपने एबी कह दो या बीए कह दो, आपने कितना बनाया था, 5 सेंटीमीटर, तो या 5 सेंटीमीटर। चलो अब अपन रचना लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपने क्या किया था, सर्वप्रथम एक रेखाखंड बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे, फिर आपने क्या किया था,
सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींची, फिर आपने बिंदु B पर प्रकार की सहायता से कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का। सेकंड पॉइंट, बिंदु B पर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का से 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर आपने क्या किया कि बिंदु B से कोण वाली रेखा पर कितने सेमी का चाप काटा, 5 सेमी। थर्ड पॉइंट, बिंदु B से कोण वाली रेखा, बिंदु B से प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से कोण वाली रेखा पर 5 सेमी का चाप काटा, जहां चाप करता है वहां बिंदु A अंकित, जहां चाप करता है वहां बिंदु क्या अंकित किया, ए। फिर आपने बिंदु ए को किससे मिलाया, सी से। देन फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाया, तो अपन कह सकते हैं अपन को क्या प्राप्त हो गया, अतः त्रिभुज ABC एक अभीष्ट त्रिभुज है। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, अरे अन्य समरूप त्रिभुज की रचना की, तो कैसे, रेखाखंड BC के एक तरफ न्यून कोण होती हुई एक रेखा BX खींचिए, रेखाखंड BC के एक तरफ न्यून कोण होती हुई एक रेखा BX, फिर आपने क्या किया कि रेखा BX पर कितने, हाँ आप देखते हो तीन और मतलब अंश और हर में कौन सा अंक बड़ा है ना, उसमें आप क्या करते हो सम दूरस्थ बिंदु अंकित करते हो, तो इसमें कौन बड़ा है, चार। फिर लिखो नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, रेखा BX पर चार सम दूरस्थ बिंदु अंकित किए, जो अरे B से B1 बराबर है B1 से B2, अरे B से B1 तक का भाग B1 से B2 तक क्या है, बराबर। फिर कहेंगे B2 B3, अरे B2 B3 बराबर है किसके, B3 B4 को, ये सभी भाग आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। फिर आपने क्या किया कि हर में जो होता है, हर में कौन है, 4, तो B4 को किससे मिलाया, सी से। नेक्स्ट, सेवन पॉइंट, बिंदु B4 को सी से
मिलाया, बिंदु बी फोर को सी से मिलाया। फिर देखो आपने क्या किया था, बिंदु बी थ्री से बी फोर सी के समांतर एक रेखा खींची जो बी सी को कौन से बिंदु पर प्रच्छेद करती है, डी। फिर आपने एट पॉइंट बिंदु बी थ्री से बी फोर सी के समांतर एक रेखा खींची जो बी सी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। फिर आपने क्या किया उसके बाद, बिंदु डी से किसके समांतर, ए सी के समांतर एक रेखा खींची जो ए बी को कौन से बिंदु पर प्रच्छेद करती है, ई बिंदु। चलो बिंदु डी से किसके समांतर, नहीं आप क्या लिखोगे, इस तरफ जा रहे हो ना तो सी ए लिखोगे, क्या लिखोगे, सी ए, सी ए के समांतर एक रेखा खींची जो ए बी को डी सॉरी ए बी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज बी डी ई एक अभीष्ट त्रिभुज है। चलो लिखो, अतः त्रिभुज बी डी ई एक अभीष्ट त्रिभुज है। अब देखो अपन इसका औचित्य लिख रहे हैं, तो इधर लिख रहे हैं, देखो आप इसको समरूप दर्शाना पड़ेगा, तो मेरे को बता सकते हो दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके, एक तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है बी डी ई, दोनों आपस में क्या है, समरूप। पर्सन ने पहले से कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, तो आपने क्या किया, समरूप त्रिभुज की रचना की। तो आप लिख दो पहले से, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई। चलो आपने क्या किया, संगत भुजाएं समान अनुपाती बताई, तो चलो पहले संगत भुजाएं लिख देते हैं। आपने क्या लिखा, देखो ऊपर थ्री है तो बी से बी थ्री, बी से बी थ्री बटा नीचे क्या है फोर, तो बी से बी फोर, बी बी फोर समान अनुपाती है किसके, तीन बटा चार। फिर वापस लिखो बी बी थ्री बटा बी बी फोर समान अनुपाती है। अब देखो आप पहले ऊपर छोटी आ रही है नीचे बड़ी आ रही है, तो पहले छोटी लिखोगे बी से डी तक, तो आप लिखोगे बी डी बटा बी सी समान अनुपाती है किसके, तीन बटा चार। अब देखो आप यहां से स्टार्ट करोगे बी डी से, बी डी बटा बी सी समान अनुपाती है, पहले छोटी भुजा क्या लिख दू, डी बटा ए सी, डी ई बटा ए सी समान अनुपाती है, पहले छोटी भुजा बी बटा ए बी, बी बटा ए बी अनुपात क्या है, तीन बटा। चलो तो अपन क्या कह सकते हैं, अरे संगत भुजाएं समान अनुपाती हो गई, तो अपन कह सकते हैं जब त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपाती हो तो अपन कहेंगे त्रिभुज किस नियम से समरूप हो रहा है, एस 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 नियम